आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टे ऑन पावर ऑयल के बारे में तो स्टे ऑन पावर ऑयल क्या है इसके अंदर प्रमुख घटक द्रव्य के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर आपको ये लिख के देते हैं किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कितने दिन तक इसको उपयोग करना चाहिए यदि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसका मूल्य कितना है कहाँ आप इसको खरीद सकते हैं पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश पुजार आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं तो देखिए स्टे ऑन पावर ऑयल जो है यह एक आयुर्वेदिक प्रोप्रेटरी मेडिसिन है आयुर्वेदिक प्रोप्रेटरी मेडिसिन क्या होता है जिन मेडिसिन के बारे में हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में ग्रंथों में टेक्स्ट बुक्स में कहीं उल्लेख नहीं मिलता इसमें क्या होता है पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी हर्बल इंग्रीडियंट्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर कर अपना एक प्रोडक्ट बनाती है उसका टेस्टिंग कराती है उसका अप्रूवल लेती है उनके पास इसका मालिकाना हक हाँ होता है इसलिए इसको आयुर्वेदिक प्रोपरेटरी मेडिसिन बोला जाता है और ये देखिए स्टे ऑन पावर ऑयल जो है बहुत शक्तिशाली न, नो हर्ब्स जो है उससे इसको बनाया जाता है और ये क्या करता है पुरुषों के पेनिस रीजन में लिंग में जो रक्त संचार है उसको बढ़ा देता है जिस वजह से जिन लोगों को समस्या रहती है कि उनका बराबर तरीके से इरेक्ट नहीं हो पाता है बराबर तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है सेक्सुअल एक्टिविटी करने के टाइम पे तो उन लोगों को इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो देखिए इसके अंदर उपकुंचिका अश्वगंधा जाति फल जाति पत्री लावंग नाग केसर हरमाल वचा तिर तैला ज्योतिष्मीति इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसको बनाया जाता है बात करते हैं इसके इंडिकेशंस कि डॉक्टर कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको ये लिख के देते हैं पहला देखिए जिन पुरुषों में सेक्सुअल डिज़ायर जो है बहुत कम हो चुका होता है उनको बिल्कुल मन नहीं करता है सेक्सुअल एक्टिविटी करने का तो वो उसको बढ़ाने का काम करता है और जिन पुरुषों में जिनका पेनिस लिंग जो है बराबर तरीके से इरेक्ट नहीं हो पाता है पेनिस बराबर तरीके से खड़ा नहीं हो पाता कुछ पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं सर जब भी मैं करने जाता हूं मेरा खड़ा नहीं हो पाता है खड़ा होता है तुरंत गिर जाता है तो ऐसी समस्याओं का निवारण करने के लिए इस तेल का उपयोग किया जाता है बात करते हैं किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखिए जिनकी उम्र अठारह साल से ज़्यादा है उन्हीं के लिए है ये तो सबसे पहले देखिए आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको आप नॉर्मल पानी या गुनगुने पानी से अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिए उसको एक अच्छा सा कोई कॉटन कपड़ा है तो उसको अच्छे से उससे पोछ लीजिए या फिर टावल लेके अच्छे से पोछ लीजिए इस तेल को लगाने से पहले जो पार्ट है आपका प्राइवेट पार्ट है वो एकदम ड्राई होना चाहिए सूखा होना चाहिए उसके बाद आप अपने हथेली पे तीन से चार बूंद जो है इस तेल का डाल लीजिए और उसके बाद आपका जो पेनिस है आपका जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर वाली जो त्वचा है उसके ऊपर आप इसको लगा कर अच्छे से मसाज कर लीजिए लेकिन एक बात की सावधानी रहे आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके जो आगे का जो भाग रहता है जहाँ पर त्वचा नहीं है जो आपका हेड भाग रहता है वहाँ पर इस तेल को नहीं लगाना है और मसाज भी नहीं करना है खाली आप जो भाग पे जहाँ त्वचा है आपके प्राइवेट पार्ट पे वहीं आप इसको लगा सकते हैं इसको आप डेली सोने से पंद्रह से बीस मिनट पहले लगा के सो सकते हैं यदि आप इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा बात करेंगे कितने दिन तक इसका उपयोग किया जाना चाहिए तो देखिए वो डिपेंड करता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर पे जब आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्ज़ामिन करते हैं आपका हिस्ट्री लेते हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देखते हैं आपके बॉडी के कंडीशन को देखते हैं और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए वो इसको लिख के दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है इसलिए आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जितने दिन तक आपको इसका इस्तेमाल करने को बोल रहे हैं उतने दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बात करते हैं अब इस तेल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो देखिए इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसलिए नो साइड इफेक्ट लेकिन एक बात का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि इस तेल को यदि आपका जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर की जो त्वचा है अगर वहाँ पे किसी भी तरीके का कट लगा हुआ है या फिर वहाँ पे कुछ घाव हुआ है तो ऐसी कंडीशन में इस तेल का उपयोग ना करें बात करते हैं इसके मूल्य के बारे में तो ये देखिए आपको तीन सौ उन्नीस रुपये में थ्री हंड्रेड नाइनटीन रुपीज में Ml का स्टे ऑन ऑयल मिल जाता है अवेलेबिलिटी की अगर बात करूं तो देखिए यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है आप इसको आपके नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर आयुर्वेदिक फार्मेसी में या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में भी आसानी से आप इसको पा सकते हैं आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिसिन रिव्यूज देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जो बाजू में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख उसको दबा दें उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा जैसे कि मैं अपने वीडियो में हर बार बोलता हूं कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए ये वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ टिल देन टेक केयर धन्यवाद